नमस्कार, मेरा नाम चाबी शर्मा है। मैं सेवा एट होम में एज अ नर्सिंग एजुकेटर काम करती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि जीसीएस क्या होता है। जीसीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लासगो कोमा स्कैन। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए ये एक स्केल यूज करते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कितना है। उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट का क्या बोलते हैं, हम लोग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना का स्तर, कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है, पेशेंट जागरूक है चीजों को लेकर। ठीक है, तो हम लोग पेशेंट के रिस्पॉन्सेस चेक करते हैं। सबसे पहले हम आई ओपनिंग रिस्पॉन्स देखते हैं, अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो आई ओपनिंग में क्या करेंगे, आप 4 नंबर उनको देंगे जो अपने आप ही आपकी आहट के हिसाब से अपनी आंखें खोल ले कि मेरे पास कोई आया है। 3 नंबर आपकी आवाज सुन के खोल, 2 नंबर आप उसको टच कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, चुटकी भर रहे हैं, तब वो अपनी आंखें खोलता है। 1 नंबर अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, चाहे उसको आवाज लगा लो, चाहे आप उसको पेन दे दो, कुछ भी दे दो, रिस्पॉन्स नहीं करेगा। उसके बाद हम वर्बली रिस्पॉन्स देंगे। वर्बली रिस्पॉन्स हम कैसे देखते हैं कि पेशेंट, 5 नंबर हम उसको देंगे जो पेशेंट ओरिएंटेड है टू टाइम प्लेस एंड प्लेस एंड पर्सन। आप उनसे पूछोगे कि मेरा नाम आप जानते हैं, अगर आपने उनको पहले नाम बताया तो आप ये बताइए टाइम कितना हुआ है और आप कहाँ पे हैं। ठीक है, 4 नंबर आप उनको देंगे जो पेशेंट कंफ्यूज है, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, आंसर्स दे रहे हैं। जैसे कि आपने टाइम पूछा तो वो बोल रहे हैं कि 2 बजे हुए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 12 या 1 बजा होगा शायद। ठीक है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। फिर 3 नंबर आप उनको देंगे जो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करते हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, उनसे आप पूछते कुछ और हो, जवाब कुछ और। 2 नंबर आप उनको देंगे जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स यूज करते हैं, जैसे ऐसे करके साउंड्स निकालते हैं, वो बोलते कुछ भी नहीं है। 1 नंबर आप उसको उनको देंगे जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करे, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड हम करते हैं मोटर रिस्पॉन्स, मतलब मूवमेंट, हाथों के मूवमेंट, पैर के मूवमेंट देखते हैं। तो 6 नंबर हम किसको देंगे, 6 नंबर हम देंगे ओबीज कमांड, जो आपने कुछ बोला उन्होंने आपके कमांड को फॉलो किया, आपने बोला अपने हाथ उठाइए तो उन्होंने अपना हाथ उठा लिया। 5 नंबर आप किसको देंगे, 5 नंबर देंगे मूव्स टू लोकलाइज पेन, जब आप उनको पेन देंगे तब वो अपने हाथ को हटाएंगे, जब तक आप उनको पेन नहीं देंगे या बोलते रहेंगे तो वो अपना हाथ नहीं हटाएंगे। फ्लेक्स टू विड्रॉ फ्रॉम पेन, उसके बाद वो आप उनको पेन देंगे और वो फ्लेक्स करेंगे एकदम से, झटके से अपने हाथ को दूर करेंगे। उसके बाद 13 नंबर आप उनको देंगे एबनॉर्मल फ्लेक्शन, आप उनको बोलेंगे कि अपना हाथ उठाइए, वो हाथ उठाने की जगह हाथ उनका गिर जाएगा। फिर एबनॉर्मल एक्सटेंशन, आप उनको बोलेंगे हाथ नीचे रखिए, उनका जो हाथ है वो एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, 1 नंबर आप उनको देंगे जिनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा, जो जिनका हाथ ही नहीं उठ रहा है, जो उठाना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, इसमें क्या है, अगर पेशेंट अगर तो हम 3 रिस्पॉन्स देखेंगे, अगर पेशेंट जो है वो 13 से 15 के बीच में आ रहे हैं रिस्पॉन्स, जैसे कि तो आई ओपनिंग में 3 नंबर है और वर्बल में 4 नंबर है और मोटर में 6 नंबर है, तो कितना हुआ, 6 13, तो 13 से 15 के बीच में जो आ रहे हैं वो है माइल्ड, मतलब कि वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उनका ठीक है, ज्यादा खराब नहीं हुआ है। अगर पेशेंट 9 से 12 के अंदर आ रहे हैं, 9 9 से 12 के 12 के अंदर आ रहे हैं तो वो है मॉडरेट, कि पेशेंट धीरे धीरे कोमा में जा रहे हैं। ठीक है, अगर पेशेंट 3 से लेके 8 में आ रहे हैं, 3 से 8 में आ रहे हैं, जैसे कि आई ओपनिंग आप उनको 1 देंगे और वर्बल आप उनको 2 देंगे कि पेशेंट
आई तो बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं, वर्बल में आवाजें निकाल रहे हैं तो दो देंगे, और हैंड मूवमेंट में एबनॉर्मल एक्सटेंशन है तो दो देंगे, तो कितना हुआ, 5 हुआ। तो 3 से 8 के बीच में आया है, तो इसका मतलब ये है सीवियर पेशेंट कोमा में है। तो ये चीजें, ये 3 चीजें आपको देखनी है, आई ओपनिंग, आंखों से रिलेटेड, वर्बल बोलने का, और मोटर आपके हाथ पैरों से आप देख सकते। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर पेशेंट कोमा में है, कॉन्शियस नहीं है, तो आप ये उनके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस अगर पेशेंट जागा हुआ है, आप उनके ऊपर ये चीज ट्राई नहीं कर। थैंक यू।